स्वागत है दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे IBPS आर आर बी पी ओ प्रीलिम्स रिज़ल्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, देखा जाए तो आज हमारा 6 तारीख है और एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम हुए लगभग 1 महीना हो चुका है। ठीक है, 1 महीना क्रॉस हो चुका है। तो जैसे हमने देखा है कि 17 से 22 दिन में आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट अक्सर आ जाता है या मेंस का रिज़ल्ट अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन अभी तक हमें रिज़ल्ट का कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, जो मैंने कहा था आपको 17 से 22 दिन, वो ऐसे नहीं कहता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द केसेस में 17 से 22 दिन के अंदर ही रिज़ल्ट आया है। तो और ये भी कहा था कि ऐसा ये भी होता है कि कभी कभी क्या होता है कि 1 महीना 1.5 महीना कभी कभी 2 महीना भी हो जाता है। तो अब वो 17 से 22 दिन के अंदर तो आया नहीं, तो अब अनएक्सपेक्टेड थिंग है। हम लोग बस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक स्टार्टिंग वीक का स्टार्टिंग डे, और मान लीजिए आज फ्राइडे, मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये भी देखा गया कि फ्राइडे को रिज़ल्ट आया, तो हो सकता है कि आपका आज रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है शाम तक। ठीक है, और जैसे कॉल रिकॉर्डिंग में बात हुआ तो रिस्पॉन्स का तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि IBPS ने ये कहा कि ऑफिशियल वेबसाइट के टच में रहे, और कल ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीक तक या ये वीक में आपका रिज़ल्ट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, ये वीक या नेक्स्ट वीक। तो हो सकता है, क्योंकि जिस दिन रिज़ल्ट आना रहता है उस दिन भी वो यही बोलते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट के टच में रहे या नेक्स्ट वीक आएगा या ये वीक आएगा ऐसे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है आज मिल जाए फ्राइडे, या फिर नेक्स्ट वीक को आपको, हो सकता है नेक्स्ट वीक कोई भी दिन आपको रिज़ल्ट को देखने को मिल जाए। तो मैं शाम को फिर से एक बार कॉल करूँगा लगभग 2 बजे के अराउंड। ठीक है, 1-2 बजे के अराउंड, क्योंकि उसी टाइम नोटिस आ जाता है कि इवनिंग में आपका रिज़ल्ट आउट होगा। तो देखते हैं क्या रिप्लाई मिलता है अभी, तो इसका मैं शाम को ट्राई करता हूँ कॉल करने की। बस ये अपडेट देना था, आप लोग पॉजिटिव रहें और मेंस की तैयारी करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।